गाइस, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, लेसन को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और गाइस, जो मैं इसमें बात आपको बता रहा हूँ डीपली, यदि आप ये लेसन देखेंगे तो डिग्री को हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। गाइस, कभी नहीं भूलेंगे गिटार पर डिग्री कैसे पहचानी जाती है। तो गाइस, देरी न करते हुए चलते हैं लेसन की। तो देखिए गाइस, आपको पता है आज आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, मैं आपको डिग्री के बारे में बताऊंगा। गाइस, एक्चुअली जो कुछ व्यूअर हैं उनके मेरे पास कमेंट आ रहे थे गाइस, उन्होंने मुझसे पूछा है सर, जो स्केल डिग्रीज नेम्स होते हैं वो गिटार पर कैसे पता लगता है। तो आज मैं डिटेल में बता रहा हूँ गाइस, आप कभी नहीं भूलेंगे डिग्रीज वगैरह क्या होती है। तो गाइस देखिए, एक्चुअली हम आज इसको मेजर स्केल से ही समझेंगे गाइस। और जैसे कि मैं हमेशा आपको सी मेजर स्केल से बताता हूँ, तो गाइस आज भी मैं आपको सी मेजर स्केल से ही बताऊँगा, क्योंकि इससे समझने में आसान रहेगा आपको। बाकी आप ये कोई से भी स्केल पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, पहले सी मेजर स्केल देखते हैं। एक्चुअली गाइस, ये सारेगामा पादानी से है, आराम से बता देता हूँ। देखिए, यदि कोई इस लेसन पे कोई भी वर्ड्स नया है, तो गाइस मैं क्लासिकल टाइप से गिटार सिखाता हूँ, वेस्टर्न भी बताता हूँ कि किस प्रकार से नोट चलते हैं, और क्लासिकल टाइप से भी बताता हूँ इनको हिंदी में क्या कहते हैं, क्लासिकल टाइप से गिटार में क्या कहते हैं, या वेस्टर्न में इस नोट को क्या कहते हैं, ये कोशिश करता हूँ गाइस। तो आज वेस्टर्न का जो है कुछ क्वेश्चन क्या है, तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। स्केल डिग्री नेम्स बताऊँगा गाइस आज, कैसे हम फाइंड करते हैं। तो देखिए गाइस, सी मेजर स्केल से हम देख रहे हैं, तो गाइस ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये ए, ये बी, देन सी। सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, ये हम क्लासिकल टाइप से भी कह सकते हैं गाइस, हिंदी में भी कह सकते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा। ये सी डी एफ जी ए बी सी होते हैं गाइस। तो देखिए, जो पहला गाइस डिग्री पे आ जाते हैं, कैसे पता लगता है कि फिफ्थ डिग्री दबाइए, सेवन को फ्लैट कीजिए, थ्री को फ्लैट कीजिए, शार्प कीजिए, गाइस ये कैसे पता लगता है। एक्चुअली डिग्री आप इस लेसन को पूर्णतः देखेंगे गाइस, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज सुधीर एंड यू आर वाचिंग टू माय चैनल सुधीर म्यूजिकल। गाइस आपको पता है मैं आपके लिए नए नए लेसन लेके आता रहता हूँ। तो गाइस, कुछ जो व्यूअर्स हैं उनकी एक स्पेशल क्वेरी है गाइस, उन्होंने पूछा है सर, हमें गिटार पर ये डिग्रीज वगैरह कैसे होते हैं, फर्स्ट डिग्री, फिफ्थ डिग्री, सेवन डिग्री, एट डिग्री, इसके बारे में नहीं पता लगता है। तो गाइस, आज डिग्री के बारे में डिटेल जानेंगे, ये कैसे पता लगता है कौन सी डिग्री कैसे, और इनके नाम क्या होते हैं। तो गाइस, देरी न करते हुए चलते हैं लेसन की ओर। देखिए, ये जो होती है सी, ये फर्स्ट डिग्री होती है गाइस। एक्चुअली इनके नाम होते हैं, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये टोनिक होता है सी का जो नोट है, आप लिख सकते हैं गाइस, फर्स्ट नोट, पहले मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट नोट लिखिए आप, टोनिक होता है गाइस। और दूसरा नोट जो डी होता है वो सुपर टोनिक होता है गाइस, ये मैं बता रहा हूँ वेस्टर्न में क्या कहते हैं गाइस, फिर मैं थोड़ा हिंदी में भी बताऊँगा। देखिए, ये जो है सी को क्या कहते हैं, टोनिक नोट कहते हैं गाइस, और डी को क्या कहते हैं, सुपर टोनिक। और फिर जो ई नोट होता है गाइस, इसको कहते हैं मीडियंट। और गाइस जो एफ है, इसको क्या कहते हैं गाइस, सब डोमिनेंट। तो चार तक आ गए हैं, टोनिक, सुपर टोनिक, मीडियंट, सब डोमिनेंट। और जो फिफ्थ जो नोट होता है गाइस, इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहेंगे गाइस, डोमिनेंट। तो और जो छठा रहेगा गाइस,
कहेंगे सबमीडियंट। सेवन नोट है गाइस, ये लीडिंग नोट होता है गाइस। एट नोट आ जाता है वो टोनिक रहेगा, सेम आ जाएगा ऑक्टेव दूसरा। तो गाइस एक बार आराम से और समझिए, सी जो होता है वो टोनिक होता है, डी जो होता है वो सुपर टोनिक होता है, ई जो होता है वो मीडियंट होता है, एफ जो होता है वो सब डोमिनेंट होता है, और गाइस जो जी होता है वो डोमिनेंट, और जो ए नोट होता है ये सब मीडियंट नोट होता है गाइस, और जो ये सेवन नोट होता है ये लीडिंग नोट होता है, और फिर एट जो आ जाएगा वो ऑक्टेव आ जाता है यानी कि टोनिक। तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, टोनिक सब टोनिक मीडियंट सब डोमिनेंट डोमिनेंट सब मीडियंट लीडिंग टोनिक। तो सा, सा को टोनिक नोट कहते हैं, रे को हम सुपर टोनिक नोट कहते हैं गाइस हिंदी में, और इसको जो थ्री नोट है इसको मीडियंट कहते हैं गाइस। सा रे गा, सा को कहेंगे टोनिक, रे को कहेंगे सुपर टोनिक, गा को कहेंगे मीडियंट, और मा को क्या कहेंगे गाइस सब डोमिनेंट, पा को क्या कहेंगे डोमिनेंट, और धा को क्या कहेंगे सब मीडियंट, और नी को क्या कहेंगे गाइस लीडिंग, और देन सा को क्या कहेंगे टोनिक। तो गाइस आप ये समझ गए होंगे। और डिग्रीज का क्या चक्कर है गाइस, सी जो होती है फर्स्ट डिग्री होती है, डी जो होती है वो सेकंड डिग्री होती है, ई जो है ये थर्ड डिग्री होती है, एफ जो है ये फोर्थ डिग्री होती है, जी जो है ये फिफ्थ डिग्री होती है, ए जो है वो सिक्स डिग्री होती है, डी जो है सेवन डिग्री होती है, और एट फिर क्या आ जाएगा ऑक्टेव सब तक यानी। तो डिग्री समझ गए गाइस, और मैं एग्जांपल के तौर पे भी आपको बताता हूँ। फाइव डिग्री सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट डिग्री। तो आठ नोट यानी गाइस सारे गामा पा धा नी सा, ये कितने मिला के होते हैं, ऊपर का सा को छोड़ दे तो नी तक जाएंगे तो सेवन नोट होते हैं गाइस, और डिग्री कितनी हो गई है गाइस सेवन, और जो ऑक्टेव लास्ट वाला पड़ता है सी उसको क्या कहते हैं हम एट डिग्री। तो यहाँ से समझिए गाइस स्केल, यदि किसी भाई को ये स्केल नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर लेसन बनाया हुआ गाइस जाके देख सकता है, और मैं थोड़ा सा पास करके आपको बता देता हूँ, देखिए गाइस सी सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो गाइस पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं डिग्री। तो अब ये डिग्री से कैसे नोट्स को क्या करते हैं गाइस, स्केल डिग्रीज नेम्स हैं ये। देखिए यदि यदि गाइस किसी ने कहा है कि हमको 1-3-5 डिग्री बजानी है, एक्चुअली ये क्या होता है गाइस 1-3-5 ट्रायड कहते हैं इसको। देखिए तो पहली डिग्री दबाओ सी दबाओ, थर्ड कौन सा नोट होता है गाइस गा सा गा, और फिफ्थ पा तो सा गा पा। अब ये क्या है गाइस, ये ट्रायड है, और ट्रायड का मैं यदि किसी भाई को समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं एक फुल लेसन बना के बताऊंगा ये ट्रायड क्या होता है उसके बारे में भी। तो गाइस देखिए सा गा पा 1-3-5 यानी के 5 डिग्रीज,
थर्ड डिग्री और फिफ्थ डिग्री का यूज हुआ है। तो नोट्स का नाम न लेके सी ई जी नाम न लेके हम क्या ले रहे हैं, फाइव डिग्री, थर्ड डिग्री और फिफ्थ डिग्री। इसी को गाइस आरपीजीओ कहते हैं हम। आरपीजीओ से एक सिस्टम होता है, इसके ऊपर भी मैं कभी एक पूर्णतः लेसन बनाऊंगा गाइस और पूर्णतः समझाऊंगा। 1 3 5 5 3 1 ये क्या है गाइस, ट्रायड। ये बहुत यूज होता है गाइस, ट्रायड ये बहुत यूज होता है गाइस। तो 1 3 5 आई होप कि आप समझ गए होंगे। मान लीजिए किसी ने कहा है कि 5 डिग्री, 3rd डिग्री, 5th डिग्री एंड 8 डिग्री या ऑक्टेव, तो गाइस कैसे बजाएंगे, 5 डिग्री, 3rd डिग्री, 5th डिग्री, 8 डिग्री, यानी के सा गा पा सा। ये क्या है गाइस, ये आरपीजीओस है। एक्चुअली आप देख के समझ गए होंगे। आरपीजीओस के बारे में फुल डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा गाइस। आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो गाइस एक लाइक तो बनता है। तो थैंक यू गाइस।